आज हमें मौका मिला है इनके घर वालों के साथ इंटरव्यू करने का। सबसे पहले पूछते हैं इनके मम्मा से, जिन्होंने इनको जन्म दिया, आज आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, हर माँ को प्राउड फील होता है कि बेटा अच्छे काम करे। और अंकल, जब अनमोल जवान हुआ तो हर बेटा अपने पापा से बात करता है कि बिजनेस की बात करता है, बट अनमोल ने आपके सामने ये आइडिया रखा, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स का, तो आपके दिमाग में क्या रिएक्शन हुआ? मेरे दिमाग में यही रिएक्शन हुआ कि इसने मुझे कुछ गलत करने के लिए तो बोला ही नहीं, कुछ अच्छे काम के लिए बोला, तो अच्छे काम के लिए मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बच्चों को कहेगा कि बेटा आप इस रास्ते पर मत जाओ। मुझे लगा कि हाँ, इसकी अभी एज नहीं है काम की, तो मैंने कहा कि चलो बेटा तू कर ले, एक दो साल अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि शौक करते करते ये अब उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। तो अब इसका मन ऐसा हो गया कि मैं पापा किसी भी गरीब आदमी के बच्चे को बिना पैसों के मरने नहीं दूंगा, कि पैसे की वजह से किसी की डेथ हो जाए तो वो पापा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अब ये इसी रास्ते पर चल रहा है, हम लोगों की, आप लोगों की, सबकी ब्लेसिंग इसके साथ है। तो अनमोल, आप बताओ आपकी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन जैसे अच्छा या बुरा, बच्चे घर से सीखते हैं, तो मैंने भी ऑफकोर्स अपने घर से सीखा, क्योंकि जिस रास्ते पे पापा चले होंगे उसी रास्ते पे मुझे चलने की उन्होंने मुझे सपोर्ट की, क्योंकि वो खुद उस रास्ते पे चलते हैं, तो उन्होंने इसलिए मेरे को अलाउ किया क्योंकि उनको उस रास्ते का मजा पता है कि इस रास्ते में एक्चुअल फीलिंग क्या है। अगर मेरे पापा ड्रिंक करते होंगे तो वो मेरे को ड्रिंक करना अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उनकी थिंकिंग है कि हाँ, उनको पता है कि मैंने क्या कुछ खोया है वो रास्ते पे जाके या क्या कुछ पाया। तो ऐसे ही पापा की जो लाइन थी वो भी सेवा की थी शुरू से, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरी मतलब मेरी जगह पे सोचा होगा कि अगर ये करेगा तो इसको कैसा लगेगा। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और सपोर्ट घर से होती है, वो है पापा की, इन्होंने अलाउ किया, सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात बिलीव किया कि हाँ ये आइडिया चलेगा। जब अनमोल लेट आता है घर पे, लाइक काफी दिन दिन तक रात को लेट आता है, 4-5 बजे तो फिर कैसे आप मैनेज करते हो कि खाना बनाना अनमोल का कौन? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं सबसे पहले इसके पापा की आदत है, जब भी हम खाना खाते हैं 11 तो हमें भी बज जाते हैं 11 o'clock, तब हमें इसको कॉल करनी है, फिर ये बता देता है हम 10 मिनट तक आ रहे हैं, तो मैं वेट कर लेते हैं कि चलो आ रहे थे इकट्ठे खाएंगे, नहीं तो इसने बोल देना कि पापा आप लोग खा लो, मेरा बना के रख दो, फिर उसके बाद मैं बना के रख देना, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इसने आके मेरे को डिस्टर्ब करना है, तंग करना है, जितने बजे आए अपना आप खाना डालना है और अपने आप खा लेता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अनमोल ज्यादा देर तक घर से बाहर रह रहा है तो कुछ? इसके हर सवाल का जवाब ही मेरे को ऐसा होता है कि मेरे पास दोबारा बात करने के लिए कोई जवाब नहीं मिलता। एक बार 3:30 बजे आया, 3:30 बजे आके गेट के बाहर रहा, इसको पता मेरा मामा 4 o'clock उठ जाते हैं, तो कहता आधे घंटे बाद मेरे मम्मा उठेंगे अपने आप गेट खोलेंगे तो मैं एंटर करूंगा। तब मेरे को सोचो आप कैसा प्राउड फील हुआ होगा कि मेरी नींद खराब ना हो उसकी वजह से आधा घंटा मेरे गेट की वेट करता रहे, तो वहां वो गलत नहीं हो सकता, मेरे को तो खुद प्राउड फील होता है ऐसा बच्चा। आप बताओ आपके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया? ये आइडिया सबसे पहले जब भी आया दिमाग में, जिससे भी शेयर किया उसने तो मुझे पागल ही बोला, बिकॉज प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल टू रन एन एनजीओ विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। पर हाँ, मेरे घर वालों ने सबसे पहले बिलीव किया, मैंने मम्मा से बात की कि मम्मा ये ऐसा आइडिया, कहते हाँ बहुत चलेगा, दुनिया में पहले ऐसे किसी ने नहीं सोचा। तो बस घर वालों की सपोर्ट से, घर वालों का नाम लेके शुरू कर दी, तो क्योंकि उस टाइम क्या मतलब बचपना था दिमाग में, जैसे सच्चाई थी कि सच्चाई के दौर पर कुछ करना है, तो जब आपके दिमाग में सच्चाई हो तो और कुछ नहीं सोचता, सिर्फ आपको पता है कि आपका ये गोल है, आपको ये करना है, जरिया कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो। तो यही तरीके से एनजीओ स्टार्ट कर दिया। आई वाज नॉट नोइंग कि वो चलेगी कि कल को नहीं चलेगी, आई जस्ट स्प्रेड इट माय आईडिया ओवर सोशल मीडिया एंड इट्स गोइंग ऑन गुड। और लाइक आपके एनजीओ की तरह और भी काफी एनजीओस खोल रहे हैं, लाइक तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो ऐसे ही रन करते रहे या क्या? एनजीओ का मतलब यही होता है कि इट्स फॉर सोशल वेलफेयर, की लोगों की भलाई के लिए, बट उन्हें मिसयूज ना करें आपके एनजीओ के नाम से, काम करें, काफी मिसयूज करते हैं, बहुत मिसयूज होता है एनजीओ के नाम पर, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में एनजीओ का मतलब ही बिजनेस है, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम। तो मेरा था कि वो बाकी एनजीओ वाले भी सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तो तरीका तो जो सा मर्जी हो, तो मेरा भी एक तरीका है सेवा करने का और बाकी एनजीओ का भी तरीका है सेवा करने का। जो मेरा तरीका है वो यूथ ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बिकॉज यू हैव अ ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट के अटेंडेंट्स वहां पर खड़े हैं, आपको हेल्प करनी है तो डायरेक्टली आप आओ, आपके हेल्प कर जाओ, एंड यू आर नोइंग कि आपका पैसा कहां पर गया, किस पेशेंट के पास गया, रेदर देन अपने अकाउंट में मंगवाऊं और मैं आगे दूं,
ये नहीं कि बाकी एनजीओ नहीं अच्छा काम करी, बहुत सी एनजीओ हैं जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हो ऑलरेडी, दे आर वर्किंग सो गुड, पर नाम खराब एनजीओ कैसी लिए, क्योंकि वो जब पर्दे के पीछे कुछ आ जाता है ना, तो पर्दों के दूसरे वालों को यही लगता है कि पता नहीं पीछे क्या है। तो ये चीज जरूरी थी ट्रांसपेरेंसी यूथ को, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और थी ये आइडिया की, बिकॉज जब मैं कॉलेज में था तो कपड़ों का बहुत शौक था, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सोचते थे कि यार मतलब सोशल वेलफेयर को, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से ही शौक है, कॉलेज के डेज में मैं जाता होता था गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के पास, तो जो फ्रेंड्स ने कंट्री करनी उसके हिसाब से चले जाते थे क्योंकि लेवल छोटा था, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स को ये भी लगता था कि यार इतने अच्छे अच्छे शूज, इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से ला रहे, बीच से तो नहीं ला, और काफी लोग जो आपको पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे बट उन्हें पता कि आप आज किस लेवल पे हो, तो उनके कैसे मैसेज आते हैं आपको? एक्चुअली दुनिया ना एक मेला है, मैं हर बार बच्चों को भी कहता हूँ दुनिया एक मेला है, तो इस मेले में जब भी कोई किसी का स्टेज लगा होता ना, जो नीचे भीड़ जिसको ऊपर गर्दन करके देख रही है, वो इंसान कभी भी नीचे भीड़ में से लोगों को हाथ करके ऊपर नहीं बुलाएगा, बिकॉज उसने स्टेज अपना खुद बनाया, ही इज जस्ट ऑल आर फोकसिंग ऑन इट, यू नो वो फोकस होता है, गोल होता है। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं भी भीड़ में था, आवाजें लगा रहा था, कोई मेरे को उठा ले, कोई मेरे को उठा ले, बिकॉज माई आइडिया वॉज ग्रेट एंड आई नो दैट, एंड किसी ने नहीं हाथ उठाया, तो मैंने बहुतों को मैसेज किए हुए हैं, मेरे पास अब भी स्क्रीनशॉट पड़े, no one supported me, actually supports means I don't want fund, I just want the people should be aware of this NGO, they should join us, they should come on that place and all, but actually practically no one supported, only some people जिनका मैं आज भी उनको भगवान का दर्जा ही देता हूँ, कुछ इंसान हैं जिन्होंने मेरे आइडिया में बिलीव किया, मुझे शेयर किया सोशल मीडिया पे, क्योंकि मीडिया पे आजकल आपको सब पता है कि सब बिना पैसों का कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें होगी या जिस जो मतलब सबसे बड़ा रुपया आजकल वही है, तो आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू द पीपल हु सपोर्टेड मी, शेयर माय आइडिया एंड इट्स गोइंग वंडरफुल। आप जो केसेस आते हैं आपके पास उनको कैसे आप पहचानते हो कि जेन्युइन केस कौन सा, आपके हिसाब से कौन सा जेन्युइन केस होता है, और लाइक जिन लोगों की आप हेल्प नहीं कर पाते वो आपको बाद में, मैंने सुना होगा कि आपको काफी गंदे गंदे मैसेज या लाइक टोंट मारते हैं, जो भी आपको काफी डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए क्या रिएक्शन और कैसे जेन्युइन केस होता है? एक्चुअली इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम है जिसपे हम सब इंडियंस काम करें शायद तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, एंड आई एम अलोन, माय एनजीओ इज अलोन, दे आर सपोर्टिंग मी, बट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, अटेंडिंग द फोन कॉल्स, रीडिंग द केसेस, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, एंड केसेस बहुत आते हैं, पर उसमें से उसको पहचानना कि वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, ये सबसे बड़ी एक जिम्मेवारी है मेरी, क्योंकि लोग अब ट्रस्ट करते हैं, दे व्हेनेवर लाइक ऑल देम दे कम टू दैट प्लेस एंड दे गोना हेल्प फाइनेंशियली, तो मेनली मेरा ये होता है कि जो जो बंदे का केस आया है उसके पापा क्या करते हैं, इज ही ऑन वेजेस और ही इज ऑन सैलरीज, तो फिर उनकी फैक्ट्री का नंबर लेके उनको कॉल करनी, उनके ओनर्स को कि हैव यू हेल्प देम, तो उनका पूछना कि इनका ESI का कार्ड बना हुआ है, घर पूछना कि रेंट पे है कि अपना है, घर की इनकम क्या है, घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो एक्सपीरियंस के साथ बातों में ही पता लग जाता था कि एक्चुअली ही इज नीडी और नॉट, बिकॉज गोइंग वायरल ऑन फेसबुक इट्स इजी दैट माय वीडियोस आर गोइंग वायरल, हर कोई चाहता है कि गंगा चलती है सभी हाथ धोने, है ना, तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको ढूंढना बीच में से, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट स्टिल विद एक्सपीरियंस कोई वर्ड। आप इतना सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करते हो? अकेला मैनेज कैपेसिटी है तो कैपेसिटी है इतना प्रेशर लेने की, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो हर कोई कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहता है पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो इस काम में भी मेहनत है एनजीओ में, तो अगर आपको कोई अपना ड्रीम अचीव करना है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो करना पड़ेगा, तो मेरे को पता था ये दिखते आएंगी, तो बॉडीज है रही है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, खुद का दिल अलाउ कर रहे हैं, तो सॉल्व इतना सब कुछ के साथ साथ एक जिम का शौक भी आपने डाला, जिम का शौक मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो डॉक्टर ही जीरो है, तो हेल्थ इज फर्स्ट, तो हेल्थ का कुछ शौक भी है, तो वो स्टार्टिंग से जैसे कि मैंने बताया कि वो मम्मा की वजह से है, तो हेल्थ स्टार्टिंग से मम्मा सपोर्ट करते हैं जिम के लिए, मम्मा ने ही जिम कह कह के लगवाया, मम्मा ने हॉबी बना दी मेरी जिम की, मेरी डाइट मेरा जिम सब मम्मा की वजह से हुआ, तो फिर मेरे मम्मा तो छोटे थे जिम में कहते यार क्या जिम करेगा क्या पढ़ाई में, मेरे को शौक था कि जिम ज्वाइन करें, और सबसे बड़ी जब जैसे फास्ट फूड खाते हैं बाहर खाते हैं उनको कुछ मत रोको,
बस बोलो वॉक करो या जिम ज्वाइन करो, वो अपने आप सारा कुछ छोड़ देंगे। एक और बड़ा रीजन है कि मम्मा खुद योगा के एक्सपर्ट है, तो इन्होंने खुद जैसे मल्टी टैलेंटेड जैसा जैसा मर्जी समझ लो। तो आपके एनजीओ का एक सिस्टम है, आप बिलो 13 के केसेस आप ले रहे हो बस, तो वो आपसे अबव जो 13 है उनके केसेस नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि केसेस बहुत है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट ओनली ऑल द केसेस। तो 13 साल से नीचे इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने डोनर्स नहीं है, पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली ऑल्सो, बट हमारी शर्त जो मेन है वो यही है कि अकाउंट नंबर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मार है कि अब लुधियाना में नो डाउट लुधियाना साथ दे रहा है, पर किस एक्सटेंट तक लुधियाना साथ देगा, इतने डोनर्स नहीं है अभी भी, 0.something% ओनली लुधियाना इज विद अस। देखने वाले बहुत हैं, शेयर करने वाले बहुत, सपोर्ट करने वाले आपको एक्चुअली अपनी जगह से उठकर आना बहुत कम है, बिकॉज इट माइट बी देयर पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, और यू नो द प्रॉब्लम द गर्ल्स कांट कम आउट आफ्टर 7 or 8 इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आपने कोई सोल्यूशन सोचा कि हाँ कि आपके साथ ज्यादा लोग आपके सोल्यूशन? अभी तक तो अकाउंट नंबर नहीं डालना तो ये सबसे, हाँ क्योंकि द सोल्यूशन ओनली कैन बी, वो तो यूएसपी है कि आप अपना अकाउंट नंबर नहीं डाल दें। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम कॉल सेंटर खोलें, उनमें से सारा हैंडल करें पूरे इंडिया को, तो उसके लिए काफी स्टाफ चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। अब अकाउंट नंबर डाला नहीं तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, बहुत सी प्रॉब्लम है ये सोच के शुरू किया। पापा कब तक करेंगे इतना? पापा कब तक करेंगे, तो खुद को भी होने लग जाता है कि अब खुद करो, तो साइड बाय साइड भगवान बिजनेस सेट कर देगा अच्छा मेरा। तो जरूर मैं, एक ड्रीम है कि अकाउंट एक ऑफिस कॉल सेंटर खोलें जिसमें से सारा जो स्टाफ का खर्चा होगा वो सारा पर्सनली हम करेंगे, तो बस मैनेजमेंट होगी, तो सारे डोनर्स को कॉल कर देंगे आपके घर के पास ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर जाके आप अपना डोनेशन कर सकते हैं। तो अंकल आप बताओ, आप अगले 5 सालों में अनमोल को कहाँ तक देखते? अनमोल को मैं बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ, लेकिन वो होगा तभी सब पॉसिबल जब ये कोई बिजनेस के बारे में सोचेगा। बिजनेस तो सोच ही नहीं, ये तो घर का सारा कोई बात नहीं। मैं देखो स्टार्टिंग में हम बिजनेस चलो करते हैं। अगर आपको काफी लोग कहते होंगे कि आप ये आपका बेटा पॉलिटिक्स में आने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, या मतलब काफी कमेंट्स भी आते हैं वीडियो के नीचे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉलिटिक्स गलत नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करो। आप सेवा का नाम देकर आते हो, लेकिन लोगों को उसका हक भी नहीं देते हो वोट का। किसी से कुछ भी उधार लेना और उसका कर्ज ना उतारना सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोग वोट ले लेते हो हाथ मांग के, हाथ जोड़ के वोट ले लेते हो, लेकिन उसका जो उधार है वो कितना मुश्किल है। आपको वो ईमानदारी से उतारना चाहिए, और अगर सब पॉलिटिक्स वाले लोग अगर सब ईमानदार हो जाए ना, तो आज मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी चीज बाकी जो पॉलिटिशियंस काम मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद करते हैं, वो काम तो अनमोल अब छोटे से ही कर रहा है। तो वो तो अनमोल पहले ही कर रहा है, और अनमोल को कुछ ऐसा शौक भी नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, लेकिन ये है कि उसका एक सेवा का शौक है। अब सेवा तभी चलेगी जब हम लोग सब मिलजुल कर उसका साथ देंगे, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा ना, उसका साथ हम लोगों को देना चाहिए। अगर सब पॉलिटिशियंस मेरे ख्याल से जितनी मेरी सोच है सब पॉलिटिशियंस दुनिया में इकट्ठे हो जाएं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसा हो पाएगा इंडिया में वो भी नहीं हो पाएगा। बट स्टिल अगर सबकी पॉलिटिशियंस की सोच बन जाए कि मैं बस पॉलिटिशियंस एक दूसरे को नीचे दिखाने लगे, वो मैं उसकी लात खींच दूं, मैं उसकी लात खींच दूं, रेदर देन कि वो अपना काम करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों का भला कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है, वो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, मैं उससे अच्छा करूँ, उसकी लात खींचूं, तो ये चीजें चाहता हूँ बंद हो जाए। और यूथ को सबसे पहले अवेयर करता हूँ कि शराब की बोतलों पे बिकना बंद कर दें, क्योंकि बहुत से इलेक्शंस में हमने देखा है कि पैसों से वोटें बिकती हैं, तो फिर वो कल को ना जनता भूल जाती है कि वो पैसों से खरीदी हुई वोटें ही कल को आपके जेब से उन्होंने खून की तरह चूसनी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी कहां से पैसा लाएंगे। अगर वो पैसा दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, तो कल को उन्होंने भी तो पैसा पूरा करना ही है। तो सबसे पहले तो गलती लोगों की है जो शराबे लेकर वोटे देते हैं, अपना देश देखो शराब के लिए देश दे दिया, और फिर पॉलिटिशियंस उनके पैर पकड़ते हैं कि हमें वोट दो शराब लो पैसा लो, ये गलत है। बाकी जो आपके फ्रेंड्स आपके पर्सनल लिस्ट पे आते हैं, जो आपके फ्रेंड्स आपके साथ छोटे से पढ़ रहे हैं स्कूल में पढ़ रहे थे,
तो वो उनके अब क्या रिएक्शन है जो पहले आपको पूछते नहीं थे कि हाँ अनमोल कैसा है? शुरू से ही मेरे को एक बाबा, शुरू से ही मेरे को एक बाबा का वर्ड दिया हुआ था, दे माइट बी वॉचिंग द वीडियो नाउ, तो उन्होंने मेरे को सीधा ये कहना कि ये बाबा टाइप है, ये जिंदगी नहीं जीने आया, तो ये ऐसे ही मतलब टाइम पास बोरिंग बाबा है। जब भी मेरे को अभी तक याद है, मेरे को आदत थी लेक्चर देने की, मतलब चार लोगों के बीच में खड़े जाना और कहना यार भाई ऐसा मत करो, ऐसे किसी का दिल मत दिखाओ, है ना, यहाँ पर भी डेट कर रहे हो, वहां पर भी कर रहे हो, तो मेरे को ये आदत थी कि इनको बार बार बोलते रहो, तो मैं जब भी दूर से आता था तो वो बोलते थे आ गया बाबा टाइप ध्यान देगा, तो वो चीजें सोचता था कभी ना कभी यार तेरे को चार सुन के राजी नहीं है तो अपनी बातें कैसे वाइड करे। अब इतनी सपोर्ट मिली क्योंकि मैं अपने सपोर्टर्स को अपना भगवान समझता हूँ, इतनी सपोर्ट की तो आज सुनने वाले कान इतने हो गए, तो अच्छा लगता है अब ये बात को लेकर। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही हैं, पर सच्चाई किसी किसी से सुनी जाती है, हर किसी से सच्चाई भी नहीं सुनी जाती। तो आप अपना वो एक जलंधर वाला किस्सा बताओ, तो जलंधर गए थे तो आपने सोचा था कि आपके लिए इतने सपोर्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे? मैंने कभी ये दिन सोचा ही नहीं था कि ये भी दिन आएगा, क्योंकि मेरे को खुद लगता था शीशे के मोरे आगे खड़ा होते, शीशे के आगे जब खड़ा होता था कि कितना बोरिंग है तू, हर टाइम बोरिंग बातें, कोई पार्टी की बातें नहीं, कोई चिलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब है नहीं, जो इंटरव्यू सुन रहे ना सबसे ज्यादा एंजॉय मोलिंग होता है, तो वो चीजें थी सबसे ज्यादा। तो सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा कि इतने प्यार करने वाले मिलेंगे, क्योंकि मेरे को लगता था यूथ सिर्फ उन चीजों की फैन है या उस चीज में इंटरेस्ट लेती है जो सिर्फ एक फिल्मी दुनिया है, जो असली लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हुए बहुत कुछ दिखा देते हैं पर रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं होता, रियल लाइफ कुछ और है। और मेरे ख्याल से अगर यूथ ना होती, सोशल मीडिया ना हो, तो आज ये एनजीओ नहीं चलती, क्योंकि मतलब लोगों को इस टाइम लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ कि ये रूप है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उनको लाइफ के असली मतलब पता लगे, कि पढ़तों पे शायद असली लाइफ कई बार नहीं दिखाई जाती, पढ़तों पे कुछ और दिखाया जाता है, ये बेटर नो, पढ़ने के पीछे कुछ और है, सच्चाई दुनिया की कुछ और है। अभी तो कमेंट की टेंशन नहीं होती ना, कमेंट्स आते हैं बुरे आते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने तो पैसे को टच ही नहीं किया ना। आपकी जो एनजीओ है, बाकी सभी एनजीओस को गवर्नमेंट साइड से फंडिंग मिलती है, आपकी एनजीओ मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमारी एनजीओ, हमारी एनजीओ का किसी से कोई लेन देन नहीं है, जैसे हम हर वीडियोस में क्लियर करते हैं हमारा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई गुप्त नहीं लेते हम किसी से कि हम गुप्त लेके चला रहे हैं, सब पीपल्स को पता, सब लोगों को पता है कि यार एनजीओ नेम्स डिफाइन इटसेल्फ, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। सो डोंट यू थिंक कि आपको थोड़ा गवर्नमेंट से फंडिंग वगैरह का कुछ होना चाहिए, जिस हिसाब से आपके अभी प्रेशर है? नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपनी फंडिंग अच्छी तरह लगा ले तो हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट से लेकर अच्छी तरह लगाएंगे, तो गवर्नमेंट को खुद इतनी समझ आ रहा है कि वो अच्छी जगह फंडिंग खुद लगा ले, तो इसीलिए हमें कोई कमेंट्स की टेंशन नहीं होती, क्योंकि कमेंट्स देता पैसे इकट्ठे करता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन, क्योंकि हम तो बिल्कुल बेदाग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसने पैसा रखा है, लिया है, कल को कैसे कहाँ लगाना है, नो प्रॉब्लम, कमेंट्स आते तो कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं होती। अंकल आपको कैसा लगता है जब आप अनमोल की वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हो, लाइक स्क्रॉल डाउन करते हो तो अनमोल पे काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो उन पे आपके दिमाग में नहीं आता कि हाँ आते हैं? मैं उनको खुद कुछ रिप्लाई भी देता हूँ कि भाई अगर आपको अनमोल पसंद नहीं है तो अनमोल की जगह पे आप लोग आके देखो तो कैसा आपको फेस करना पड़ता है, दूसरे को कहना बहुत आसान है, मुझे भी डेली कॉल्स आती है, ये मेरा काम करवा दो, वो मेरा काम करवा दो, वो करवा दो, तो मेरे को जो फोन करने वाला ना वो सोचता शायद मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन जो अटेंड करने वाला है उसको 10 कॉल्स आ रही है, तो मैं 10 आदमी को झेल रहा हूँ ना, अभी अनमोल है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेला ही अनमोल को फोन कर रहा हूँ, है ना, लेकिन अनमोल के पास तो 2,000-3,000 डेली कॉल आती है, तो वो अनमोल के लिए तो अकेले ही है ना, अभी फ्लाइट मोड पे लगा हुआ अनमोल अकेला ही उसको अटेंड कर रहा है, लेकिन बीच में कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हमारा फोन नहीं अटेंड किया, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि अनमोल अकेला है, हम लोग सब उसको फोन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनमोल कोशिश करता है कि मैं सबके कॉल अटेंड करूं, लाइक यू सेड कि 100 में से 20 की हेल्प तो मैं कर ही देता हूं, बिल्कुल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, भी नहीं कर सकते, शौक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नाराज हो खुश हो वो अपना पूरा ईमानदार से काम कर रहा है, जितना हो सकता है उससे ज्यादा ही करता है, क्योंकि चेहरा एक है, पीछे सपोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़ा थैंक यू अपने सपोर्टर्स का करता हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में जब मैंने ये एनजीओ स्टार्ट की थी मेरे को किसी भी फेमस पर्सनैलिटी ने शेयर नहीं किया था, एंड मेरे को अब तक वो बात याद है, क्योंकि सब कहते थे कि शायद फेमस होने के लिए कर रहा है, क्यों शेयर करें, क्यों शेयर करें, फिर मेरा जो साथ दिया था वो दिया था जनरल पब्लिक ने, लोग मतलब आई डोंट कॉल देम माय फैंस, वो
वो मेरे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने शेयर करना शुरू किया, तो आम पब्लिक की वजह से ये एनजीओ बढ़ी, क्योंकि कोई भी बड़े नेटवर्क या बड़े चैनल ने ये एनजीओ के बारे में नहीं बताया अब तक, क्योंकि अगर हम पैसा लेते नहीं तो पैसे दे कैसे दें, यू नो वेल। नहीं पब्लिक फिगर कहते ऐसे सोशल ड्रग, बट आपको भी पब्लिक फिगर्स भी काफी आते हैं। उस दिन मैं बैठा हुआ था किसी के साथ, काफी उनका नाम नहीं ले सकता अभी मैं तो, बट वो आपके बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं, क्योंकि अब प्रूव करके दिखा दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने ये बोला था तो शायद उनको लगता था कि हाँ फेमस होने के लिए कर रहा है, इससे नहीं होगा। तो जब ये वीडियोस मैं बिना व्यूज को ध्यान में रखते हुए रेगुलरली डालता रहा, कॉलेज लाइफ में डालता रहा, विदाउट थिंकिंग कि इसमें व्यूज आएंगे शेयर्स आएंगे, मैं अपना काम करता था सोशल मीडिया पे, यूथ को अवेयर करता था, इंस्पायर करता था। तो इंस्पायर करते 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 स्पीड इतनी हो गई, लोग इतने हो गए, सपोर्टर्स इतने हो गए कि यार इतना वाइड नेटवर्क बन गया। अच्छा तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपने मतलब खुशी खुशी में शेयर किया हो या जो आप एनजीओ में कर रहे हो, बट आपको घर आके नेगेटिव रिस्पांस मिलोगे। ऐसा इंसिडेंट था एक बार कि जब मैं 2-3 साल पहली बार है, लुधियाना में किसी मॉल के बाहर से जब हम निकल रहे थे मैं और मेरा फ्रेंड, तो एक ऑटो में बहुत बुरी तरह धुआं निकल रहा था, बहुत ज्यादा धुआं निकला था, जो अंदर की उनके कस्टमर थे वो बाहर चले गए, एंड जो ऑटो वाला था वो बहुत स्क्रीमिंग कर रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, बिकॉज उसके ऑटो वॉज लाइक कि उसको आग लग जानी थी थोड़ी देर में, इतना वाइट धुआं निकल रहा था कि रोड पे सब उसकी वीडियोस बना रहे हैं। मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, तो मेरे पास पॉलिथीन बैग्स थे, तो मैंने उसको पॉलिथीन बैग्स पकड़ाए और मैंने कहा मैं आता हूँ। कहता क्या हुआ? मैंने कहा यार वो ऑटो वाला इतना चीख रहा है, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसके पास जाकर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैं बड़े शौक से गया, अब एज लगा लो, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो मैं गया फटाफट गरम तो मैं गया फटाफट, नहीं इट्स वाज नॉट अ गरम खून, मतलब जो दिमाग में उस टाइम बंदे के आता है मैं कर दिया। मैं गया, मैंने कहा अंकल हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? कहा बेटा ये बटन दबाओ। मैं पीछे से वाइट धुआं इतना निकल रहा था कि अंकल इतना शिवर कर रहा था कि उसका मतलब हाल देख के मेरे को लगता था, अंकल घबराओ ना कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ऑटो के नीचे हाथ डाल के पता नहीं कोई बटन दबाया और वो ऑटो बाद में बंद हुआ और वो जमीन पे लेट गए एकदम से, कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मतलब बचा लिया आज। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि चलो आज हेल्प का काम किया, तो यही बात मैंने घर पे बताई, तो घर से आगे नेगेटिव रिस्पांस ये मिला कि तू ऑटो के पास क्यों गया। तो यही इंसिडेंट है कि मैं जो मैं सोच के आया मैं बहुत मतलब एक प्राउड का काम करके आया हूँ, घर से शेयर करूंगा जाके तो बहुत शाबाशी मिलेगी, पर आगे से सबसे पहले दादी से गालियां पड़ गई, फिर कि तू क्यों पास क्यों गया, तेरे को कुछ हो जाता। मैं कहा ऑटो वाले को भी कुछ हो सकता था। तो ये इंसिडेंट था एक मेरे को याद कैसा हुआ था। तो आप ये बताओ आपकी एनजीओ इतनी ट्रांसपेरेंट क्यों, लाइक बाकी एनजीओ सब कुछ बताती नहीं है कुछ भी, तो आपकी एनजीओ सब कुछ आप ऑनलाइन शेयर करते हो सभी के साथ ही? एक्चुअली द थिंग इज शायद ये एनजीओ सारी दुनिया से अलग क्यों है, व्हाई दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट एनजीओ, द रीजन इज दिस दैट इट हैज अ ट्रांसपेरेंसी। तो मैं चाहता था कि क्यों ना जैसे वही बात आ गई ना कि मतलब मेरी घड़ी डाली भी या मेरे कपड़े डाले भी किसी को ये ना लगे कि बीच में से लाया। तो दिस वॉज द मेन एंड बिग रीजन, ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट, एंड इसी वजह से ये एनजीओ का शुरुआत हुई थी। वो दिख रहा है सभी को? यस। झूठ से? हाँ तो भाई मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी ब्लाइंड स्कूल वाली, तो आपने काफी मतलब ब्रेवली एक ब्लाइंड स्कूल में जाके वीडियो बनाई थी, तो आपको डर नहीं लगा था कि हाँ ये मेरे नेगेटिव जा सकते हैं कुछ? सबसे पहली बात, अगर झूठ में जीना है तो डरना तो तब है, अगर सच्चे हो तो दुनिया से क्या डरना। वो सच्चाई थी एंड दे वर सफरिंग अलॉट, तो मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, कोई चीज को गलत होता देख के सिर्फ इसी वजह से चुप रह जाऊं कि वो मेरे साथ ना कुछ कर दे, मेरे साथ जो करेंगे करेंगे, क्योंकि सपोर्ट बहुत है ना देखने वाले, क्योंकि मेरे फैंस नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरे से मेरे रियल लव्ड वन से ज्यादा है, तो उनकी सपोर्ट ध्यान में रखते हुए आई जस्ट गॉन देयर एंड आई जस्ट शूट इट आउट ऑल। पर्दाफाश। इट वाज ट्रू इंसिडेंट। तो अंकल आपने कहा नहीं कि यार अनमोल क्या कर रहा है तू, मतलब कैसे पंगों में पड़ जा रहा है, अगर बाद में तेरे को कोई कुछ कर गया या हम कहां से कहेंगे कुछ भी। मैंने एक दो बार अनमोल को बोला, मैंने कहा बेटा ये तू किस पंगों में पड़ा हुआ है, तो अनमोल का एक ही जवाब होता है कि पापा अगर भगत सिंह देश के लिए कुछ ना करता तो शायद आज हमारा देश आजाद नहीं होता। तो अनमोल ये कहता है कि आप चार साहबजादे देखो, उनकी कुर्बानी उनके माँ बाप ने दी तो आज हमारा देश आजाद है, आज कितनी दुनिया जी रही है उनका नाम लेकर। और दूसरा ये कहता है अनमोल एक ही बात कि पापा हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, भगत सिंह जैसे उसके संस्कार हो, लेकिन कोई भगत सिंह बन के सड़कों पे निकले ऐसा कोई नहीं चाहता।
तो इसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं होता हमारे पास किसी के पास तभी। तो आंटी आप ये बताओ, आप इन फ्यूचर अनमोल के लिए कैसी लड़की चाह रहे हो? आप लव मैरिज में बिलीव रखते हो या अरेंज मैरिज में? नहीं, अभी तक तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी सबसे पहले इसका खुद का ड्रीम था कि मैं पहले सबसे पहले बिजनेस या कोई भी काम स्टैंड करूं, उसके बाद शादी, अभी तो सोचा नहीं है। तो अंकल आपका ये, आपने सोची नहीं अभी? नो कमेंट्स, सेम नो कमेंट्स। पहले करियर सेट हो जाए, फिर अपनी जिंदगी के साथ तो रिस्क ले रहे हैं, किसी के साथ तो साथ में थोड़ी चार तरफ सेवा से घर आएगी, तो पहले अपना करियर बना लें, फिर किसी और के बारे में सोचें। नहीं, बट आपके काफी सपोर्टर्स में जो फीमेल सपोर्टर्स हैं, अभी तक कभी कुछ नहीं सोचा, इन फ्यूचर करियर सेट होने के बाद इस बात पे चर्चा की जाएगी। अभी फोकस ऑन गोल की लाइफ में और बड़ी प्रॉब्लम्स है, अभी उम्र भी छोटी है ना, अभी 21 साल एज है, तो अभी तो बहुत छोटा हूँ। तो इन फ्यूचर आप अपनी बाकी लाइफ भी इसी पे डिपोर्ट करोगे या नहीं? खाना तो है, जैसे करियर सेट होगा तो तभी कुछ करूंगा, साथ साथ अब करियर की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि करियर सेट होगा, इनकम होगी तो तभी वो ऑफिस चलेगा। तो ये एनजीओ का जब सोचा था तो सोचा था कि अकेला हैंडल कर लूंगा, मंथ में एक केस आएगा, बट अकेला हैंडल करने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज डेली के 10 केस हैंडल करने तो आपको टीम चाहिए, और टीम कोई, अब ये तो है नहीं कि टीम 12 घंटे कोई फ्री में, तो किसी पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, हमें पेड भी करना उनको, क्योंकि हर घर की किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम चाहते हैं कि उनको पेड करके उनकी फीस जो भी होगी, तो साथ साथ वो सेवा भी करें, और साथ साथ वो हमारी, क्या लग रहा है आपको कितने, मतलब कितने टाइम गैप स्पैन में ये हो जाएगा? नियर अबाउट 2 to 3 months कि हम अपना करियर स्टार्ट करना मैं शुरू करूंगा, इन एनी फील्ड, चाहे मैं फैक्ट्री स्टार्ट करूं, चाहे मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, चाहे और बहुत कुछ प्लान्स किया हुआ है, अगर वो बिजनेस में हम कामयाब हो गए तो जो उससे इनकम जनरेट होगी तो उसके कुछ हिस्से से मैं अपना ये ऑफिस चला पाऊंगा, क्योंकि ये एनजीओ मेरा ड्रीम है और ये ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे इनकम चाहिए। बट आप कभी कभी वीडियोस में कहते हो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो वो डिप्रेस ज्यादा हो जाता है, बिकॉज़ आपको वो नहीं होना चाहिए, ये मैं कह दूं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये एनजीओ स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्रेशर आ जाएगा दिमाग पे, तो प्रेशर ज्यादा था, तो इतना सहा नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा डिप्रेस होके वीडियोस पे कुछ नजर आता था कि हाँ मैं ज्यादा ओवर हो जाता था। तो जो हमें वीडियोस पे नजर आ रहा था अनमोल की, वो आपको घर पे नजर आ रहा होगा? हाँ, तो नजर आ रहा था, मगर कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जब भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहते तो ये बात कहती है माए कि तू पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, ये सोच के नहीं कहती कि उसने वाकई फेल हो जाना, कि तू पढ़ ले, तो यही लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लोग समझ ले, उनका साथ दें ताकि वो सक्सेस हो सके। ये कहना भी लोगों के लिए उठाना मुझे स्टार्टिंग में अभी तक याद है कि जब स्टार्टिंग में लुधियाना का फर्स्ट केस आया था तो नियर अबाउट 8,000 हमने इकट्ठा करना था, तो वो 8,000 इकट्ठा करने के लिए मेरे को पता क्या हाल हुआ था मेरा, कि मैंने कॉल्स पे कॉल्स, हमारे पास सिर्फ 1,500 रुपए इकट्ठा हुआ, तो उस दिन जब पॉकेट में से गए थे तो कल आई थी कि यार लुधियाना किसी काम का नहीं है। उस दिन मैं वीडियोस पे ओवर हुआ, मैंने प्रेशराइज हुआ कि लुधियाना वालों में इतनी महंगी गाड़ियां, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें ये नहीं, तो उन्होंने उस दिन से सपोर्ट करने मेरे को शुरू किया, एंड फिर उससे सब लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया। हां, पे एक ऐसे चंडीगढ़ वाला केस हुआ था, रजिस्टर्ड इन पीजीआई आल्सो, तो वो केस काफी सीरियस था, तो मेरे को एक बार अजमाना भी था चंडीगढ़ के डोनर्स को, तो मैंने वहां पर पोस्ट डाले, मैसेजेस छोड़े, पर वहां पर मोस्टली डोनेशन इकट्ठी हो गई थी, तो फिर उसके जब उसका रिएक्शन वीडियो का भी नेगेटिव नहीं किया था, पॉजिटिव किया था, क्योंकि फिर चंडीगढ़ की यूथ के बाद में कॉल आए थे कि भैया हम विद यू, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, तो वो भी अच्छा गया था रिएक्शन, तो अब फाइनली हमारे पास यूथ जुड़ रही है आगे से आगे। ये जो नाम है वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, ये आपके दिमाग में है? जब मैंने ये स्टार्ट किया था पेज तो मैंने एनजीओ का कोई ना कोई नाम तो रखना ही था, तो जब भी मैं कोई नाम सोचता था तो मैं सोचता था लोगों ने जब भी ये नाम सुनना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अनमोल एनजीओ, तो एनजीओ का मतलब है कि दे एक्सेप्ट फंड्स, दे एक्सेप्ट थिंग्स, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ऐसा नाम रखो कि जो पढ़ते ही क्लैरिफाई हो जाए कि इस बंदे को पैसे नहीं चाहिए, तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि नाम ही यही रख दो यार, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस, द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। तो अच्छा, आप ये बताओ जो ये हम वीडियो कर रहे हैं इसका मेन मोटिव और कुछ ये भी था कि सब लोग पूछते थे कि वीडियोस आपकी YouTube पर नहीं पड़ी, YouTube पर नहीं पड़ी, तो इट वाज अ बिग रीजन कि चलो ऑल द वीडियोस शुड बी ऑन YouTube। आई मस्ट टेल यू कि आपकी
फेक वीडियोस काफी बढ़ रही है, वो आपके थ्रू काफी मोनेटाइज हो गए, पैसे कमा रहे हैं, बहुत सी फेक वीडियोस यूट्यूब पे हैं, तो मैं चाहता था कि ये भी एक हमारा पेज यूट्यूब पे बन जाए, वो सारी वीडियोस हम टेक डाउन कर देंगे। थैंक यू, तो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, कीप लविंग अनमोल कौर, थैंक यू सो मच।